हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें फैमिली आईडी कार्ड कैसे बनाना है। गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को एक फैमिली आईडी जनरेट करके दी जा रही है, जिसमें कि आप सभी को परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनकी जो डिटेल्स होगी वो ऐड रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से। इन फ्यूचर जो भी बेनिफिशियरी स्कीमें लाई जाएंगी उनका जो बेनिफिट है, जिन लोगों के पास फैमिली आईडी कार्ड होगा उन लोगों को सुचारू रूप से मिल पाएगा। तो इस वीडियो में आप सभी को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सभी को फैमिली आईडी कार्ड बनाना है, इसमें कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फैमिली आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को familyid.up.gov.in पे आ जाना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे फैमिली आईडी परिवार की एक ऐसी पहचान होगी, जिसमें की गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीमों का लाभ दिया जाएगा उस पर एंट्री होगी, जहाँ पर आप देखोगे चाहे स्कॉलरशिप हो, कौशल विकास योजना हो, या फिर किसानों को अनुदान देना हो, श्रमिकों को अनुदान देना हो, चाहे युवाओं को गवर्नमेंट रोजगार देने की बात कर रही है, कि एक परिवार एक नौकरी की बात हो रही है, वो भी इसी योजना के थ्रू संभव हो पाएगा। आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है जिस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करने के लिए बोला जाता है, मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी आपके आधार कार्ड में नेम हो उसी नेम को यहाँ पर सेम फिल कर लेना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा जिसको आपको देख के फिल कर लेना है और नीचे दिए गए कैप्चा को फिल कर लेना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है इस वेबसाइट पर वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपना कार्ड बनाने के लिए मोबाइल नंबर फिल करके लॉगिन करने की जरूरत होगी। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर ब्लू कलर का ऑप्शन दिया गया है जिसपे हमें क्लिक करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमें मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसको हमें फिल कर लेना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जिससे हमारे फोन पे एक अगेन ओटीपी आएगा जिसको हमें देख के फिल कर लेना है और कैप्चा को फिल कर लेना है। इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं फैमिली आईडी को बनाने के लिए। अब हम यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको फैमिली आईडी कार्ड बनाने के लिए मेन जो आपकी आईडी है वो है आधार कार्ड, जिसमें कि आप सभी को अपना जो आधार कार्ड है वो एंटर कर लेना है। आधार कार्ड एंटर करने के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप सभी लोगों के पास राशन कार्ड अवेलेबल है जिसमें परिवार का जो मुखिया है उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, और उसके बाद में आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में यदि आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तब भी आप इस फैमिली आईडी कार्ड को बना सकते हो, जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड एंटर करना होगा। कोई भी आधार कार्ड आप इस केस में एंटर कर सकते हो और आगे बढ़े के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे। अब जैसे मैंने आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो गवर्नमेंट की राशन कार्ड जो योजना है उसमें जो आपकी डिटेल से वो फाउंड होती हैं, जिसमें कि आप देखोगे सदस्य का जो नेम है वो ऑटोमेटिक शो हो जाता है, जिसमें कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर कार्ड को जनरेट करने के लिए, कार्ड को देखने के लिए, फैमिली आईडी देखने एवं प्रिंट हेतु आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी भेजें, ये जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करने की जरूरत होगी। तो हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया है तो आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको हमें देख के फिल कर लेना है, देन हमें ओटीपी वेरीफाई करें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो आप देखोगे हमारी जो फैमिली आईडी है वो देखने को मिल चुकी है, और यहाँ पर इसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट हेतु यहाँ क्लिक करें का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो फैमिली कार्ड है वो जनरेट होकर के आ चुका है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर के आ चुकी है, कुछ भी डिटेल मैन्युअली इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आपका राशन कार्ड बना होगा उस केस में, अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना होगा तो सारे ही मेंबर्स की डिटेल्स को ऐड करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे जो डिटेल्स है वो फाउंड हो चुकी है, हमारा जो फैमिली आईडी कार्ड है वो भी जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये जो कार्ड है प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट करके आप सुरक्षित करके रख सकते हो। यहाँ पर इन फ्यूचर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीमें फैमिली आईडी कार्ड के थ्रू आपको मिलने वाली है उनके जो बेनिफिट है, परिवार में जितने भी सदस्य होंगे जिसको जो भी बेनिफिट मिलने वाला होगा गवर्नमेंट उनको यहाँ पर ट्रैक कर पाएगी कि किसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कौन सी स्कीम्स का बेनिफिट आपको देना है, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले पाएंगे। और किसी भी परिवार के एक सदस्य की इनकम यहाँ पर ज्यादा होगी या फिर वो टैक्स पेयर होगा तो उस केस में गवर्नमेंट यहाँ पर पहचान कर लेगी कि आपके परिवार को इस बेनिफिट की जरूरत नहीं है। कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो उस केस में आपको वांछित किया जा सकता है, और इसमें डेट भी मेंशन की गई है, आज की डेट में जो कार्ड है वो जारी किया गया है। यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिया गया है इसके थ्रू भी आप स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो फैमिली आईडी कार्ड है वो ऑनलाइन ही बना सकते हो। आज का जो वीडियो है वो आप सभी लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।